फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल सेंड नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल सेंड नहीं होती ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो ये पेज आता है, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग रीसेट करनी है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। अब आपका एपीएन का पेज आएगा, इसमें आपको रीसेट पे टैप करना है, तो आपको नीचे लिखा हुआ जाएगा थोड़ी देर में यहाँ पे रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। इस तरीके से एपीएन सेटिंग को रीसेट करना है। एक काम ये भी करना है, मोबाइल फोन का सिम कार्ड मोबाइल से बाहर निकाल के उसे फोन के अंदर दोबारा डाल देना है, इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको सिक्योरिटी अपडेट पे दोबारा टैप करना है, तो आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज आप ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।